जय ईशो। और आप सबों को ईस्टर का शुभकामनाएं मैं देता हूँ, अदा करता हूँ। यूथ फॉर जीसस इस प्रोग्राम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। ये विशेष करके सभी युवा युवतियों के लिए, यूथ लोगों के लिए ये हमने इसको प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जिससे हम यूथ लोगों को संदेश मिल जाए। वचन कहते हैं स्तोत्र 119 में कि तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवा युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। जिनको प्रभु का वचन मालूम है वही निर्दोष आचरण, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यवहार वो कर सकता है जिनके अंदर वो वचन है। इसलिए हम इस वचन द्वारा, इस यूथ फॉर जीसस के इस एपिसोड द्वारा आप सबों को हम वचन देते आ रहे हैं। आप सबों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ग्लोरिया वचन गीत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर आगे जरूर करें, क्योंकि हम सभी लोगों का कर्तव्य है वचन का घोषणा करना। जो जो बपतिस्मा ग्रहण किया उन सबों का कर्तव्य है सुसमाचार की घोषणा करना। आप ये वचन, ये वीडियो को पास करते हुए आप भी वचन की घोषणा कर रहे हैं। प्रभु ने कहा संसार के कोने कोने में जाकर सभी को सुसमाचार सुनाओ। अब जब ये वचन का ये वीडियो आप शेयर करते हैं, आप भी इस वचन का, प्रभु ने जो आदेश दिया उसका पालन आप कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद प्रतिफल आपको और आपके परिवार को मिल जाएगा। इसलिए जरूर इस वीडियो को आगे शेयर करें। इसलिए आइए हम वचन सुने मत्ती का सुसमाचार से अध्याय 13 पद संख्या 24 से हम पढ़ेंगे और हम सुनेंगे प्रभु हमसे इस बार क्या संदेश प्रभु देना चाहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 24 से ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसकी बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाले लगे तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकर ने आकर स्वामी से कहा, मालिक क्या आपने खेत में अच्छी बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, ये किसी बैरी का काम है। तब नौकर ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो, कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुना रहा है, शिष्यों को बता रहा है। किसी मनुष्य का एक खेत था, स्वर्ग राज्य का विषय में, स्वर्ग राज्य किसके जैसा है तो एक मनुष्य के विषय में बताता है। खेत है, एक मनुष्य खेत है, स्वर्ग राज्य एक खेती जैसा है जिसमें मालिक ने अपने अच्छी बीज बोया। जिस तरह हम खेती, धान लगाने के लिए हम कुटिया बोते हैं या सब्जी लगाने के लिए हम बीज बोते हैं, वैसे ही एक मालिक ने अपने खेत में बीज बोया। ये बीज बोने के बाद ये क्या गया, घर गया जाके सोया। उसके बाद रात को बैरी आया, बैरी आकर उस बीज, जहाँ पे अच्छी बीज बोया, भूमि तो अच्छा है, बीज भी अच्छा बोया, लेकिन उस बीच में क्या हो गया, बैरी आकर जंगली बीज बोकर चला गया। जिसके कारण जब बढ़ना शुरू किया ये बीज, ये बढ़ना शुरू किया तब क्या दिखता है, उसमें कुछ जंगली बीज, मतलब जंगली घास भी दिख पड़ा। तब कुछ मजदूर लोग जाके मालिक से पूछा, मालिक क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, फिर ये जंगली बीज कहाँ से दिख पड़ा? तब मालिक ने कहा, किसी बैरी का काम है, ये जंगली बीज उस खेत में किसी बैरी का काम है। हालेलुया। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बीज, ये
ये दृष्टांत आपके लिए है, मेरे लिए है। ये एक व्यक्ति का विषय में, ऐसा एक व्यक्ति का विषय में है जो चाहता है बदलना, जो चाहता है एक कुछ अच्छा करना, जो चाहता है अच्छा बात बोले, जो चाहता है अच्छा से काम करे, जो चाहता है अपने परिवार में अच्छा से काम, अच्छा परिवार को देखभाल करे, माता पिता का बात सुने, एक अच्छा बेटा बेटी बनकर जीवन जिए, एक अच्छा यूथ बनकर जीवन जिए। हर दिन हर सवेरा हम उठकर एक ही फैसला लेते हैं कि हम आज से ये कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जैसा ही दिन निकलता है वैसा फिर से दोबारा उसमें हम फंस जाते हैं। मतलब हम जो चाहता वो नहीं कर पाता, बल्कि वही कर डालता हम जो नहीं चाहता। संत पौलुस का अनुभव भी यही है। संत पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, बल्कि वो कर डालता हूँ जो नहीं चाहता। आगे संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं ऐसा करता है तो मैं नहीं करता बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप, मुझ में निवास करने वाला पाप ये मुझसे करवाता है। इच्छा तो है हमारे भलाई करना, इच्छा तो है अच्छा इंसान बनना, अच्छा तो है अच्छा कार्य करना, लेकिन हम हो नहीं पाते। ये सबक का अनुभव है, आपका भी अनुभव है कि आप चाहता तो है भलाई करना लेकिन हो नहीं पाता। मेरे क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये किसी बैरी का काम, जंगली बीज। प्रभु ने तो कहा मनुष्य को, ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26 में ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य के बिना अपने प्रतिरूप अपने सदृश में बनाए। स्तोत्र ग्रंथ 107:1 में कहता है ईश्वर भला है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4:7 में कहता है ईश्वर प्रेम है। वह हमें जब बनाया वो भलाई से प्रेरित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर हमें बनाया। हमारे हृदय में हमें जब बनाया ईश्वर ने, हमारे हृदय में प्रेम भरा, भलाई भर दिया। लेकिन वो भलाई हम आज कर नहीं पाता, कारण हमारे जीवन में वो बीज, जंगली बीज बोया गया है। किसके द्वारा? बैरी। ये बैरी कौन है? शैतान। ये शैतान के द्वारा हमारे बीच में जंगली बीज बोया गया, बुराई का बीज बोया गया, जिसके कारण हम चाहता तो है भलाई करना लेकिन कर नहीं पाता। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में कहता है, जो पाप करता वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। इसलिए गुलामी, गुलाम खुद अपने से कुछ नहीं कर सकता, मालिक का परमिशन चाहिए तभी वो कुछ करेगा। वो अपने से जाकर गुलाम कुछ नहीं कर सकता, मालिक जो बोलेगा वही कर सकता है, अपने से कुछ जाके नहीं। वैसे ही यदि आज हम नहीं कर पा, हम चाहता तो भलाई करना लेकिन नहीं कर पाता, तो इसका मतलब हम गुलामी में, किसका गुलामी? शैतान का गुलामी में है। इसी कारण हम चाहता तो है भलाई करना, हम चाहता तो अच्छा इंसान बनना, हम चाहता तो अपने को बदलना, लेकिन हो नहीं पाता, हो नहीं पाता। हम जितना कोशिश करता उतना हम गिर जाते हैं, हम जितना चाहता उठना उतना हम फिसल के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारे लिए आया, उसने जो अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन को बर्बाद, हम जो भलाई करने में हम रुकावट हैं, उन सभी चीजों को से हमें छुड़ाने के लिए, वो हमें बचाने के लिए, हमें वो क्षमता देने के लिए, हमें जो गुलामी से हमें मुक्त करने के लिए यीशु आया, दुख भोगा, पुनर्जीवित हुआ और सबके ऊपर विजय प्राप्त कर हम भी उसके साथ जी उठा है, हम भी जी उठा है। इसलिए हमारे जीवन की बुराई जो कमी हम सोचता हम नहीं कर पाएगा, इसलिए कई भाई बहन हिम्मत हार जाता है, प्रार्थना कर करके करने के बावजूद बुराई में गिरते जाते हैं। तब सोच प्रार्थना करके क्या फायदा, क्योंकि मैं इतना गिर रहा हूँ, इसलिए फिर बुराई ही करना शुरू कर डालता। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप हार ना माने। रोमी का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 में वचन कहते हैं, अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं, आप बुराई से हार ना बने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त, कब बुराई होगा? आप भलाई करना चाहता है लेकिन बुराई करता है, उस बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है कैसा? भलाई करते हुए। क्या भलाई करना? स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, मैं प्रार्थना द्वारा उसके कुकर्मों का विरोध करता हूँ, जो बुराई का आत्मा उसका विरोध में करता हूँ। कैसा? प्रार्थना द्वारा विरोध।
इसलिए आप भी उसका विरोध करना, आप उसका पराजित कर सकते हैं, आपकी बुराई जो है उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकता है। वो है पहला बात, वो है प्रार्थना। आप प्रार्थना द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, हालेलुया। इसलिए और दूसरा बात है, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो यीशु का खून, यीशु का रक्त हमें विजय प्राप्त दिला सकता है। प्रकाशना ग्रंथ में वचन में कहते हैं, उस मेमने का रक्त और अपने और उनके साक्षी द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकता है। हमारे बुराई के ऊपर यीशु का रक्त द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकता है। यीशु का रक्त द्वारा हमारे जो कमी हम जिससे उठ नहीं पाता, उस कमियों में हम विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए रोमी का नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यीशु जो क्रूस पर रक्त बहा, जो मुक्ति दिया, उसको हम प्राप्त करें, उसका शक्ति को हमारे जीवन जो कमी कमजोरी में फंसा है उसमें हम उसका शक्ति हम प्राप्त करें सके कर सकेगा। कैसा? विश्वास द्वारा। तू विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए मर गया, तू विश्वास करना यीशु मेरे लिए दुख भोगा, तू विश्वास करना यीशु मेरे लिए जी उठा। जब ये विश्वास करेगा आप अपनी बुराई से, अपनी कमियों से आप उठ सकेगा। क्योंकि तीतुस का पत्र अध्याय 2:14 में ऐसा लिखा है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। वे अपने को इसलिए बलि चढ़ा, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए मरने के लिए दिया जिससे हमें शुद्ध करे, हमें अपना बनाए, हमें पवित्र, अपना पवित्र प्रजा बनाए और भलाई करने के लिए क्षमता, भलाई करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। बस प्रभु चाहता उसके मृत्यु पर, उसके जीवन पर हम भरोसा रखना, उसके खून को हम दावा करना और प्रार्थना द्वारा उसके कुकर्मियों का विरोध करना। इसलिए हम प्रार्थना में, प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना द्वारा और यीशु के रक्त द्वारा अपने इस बुराई पर विजय प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।